फिरोजाबाद टुंडला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने जनसभा को किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, 2017 से पहले तक प्रदेश में सपा और बसपा की रही है सरकार। सपा बसपा और कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री ने बोला हमला। जनसभा के उपरांत सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। समाज के कुछ लोगों ने विकास कार्य में होने को लेकर जताया विरोध, केंद्रीय मंत्री ने समझाया। आपके पास ये बीहड़ का क्षेत्र है और इसकी सड़कें और खारा पानी मेन समस्या है। और पानी के लिए मैंने बता दिया, जब बोला भी है और अभी भी बोल रहे हैं, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत किसी के कारण योजना शुरू हो रही कि पानी की टंकी बने, सप्लाई हो, शुद्ध पेयजल। सड़कें खराब। दूसरा देखिए, सड़कें आप यदि 2017 के पहले जाएंगे तब की सड़कों में अभी बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। ये बीहड़ का एरिया है। दूसरी बात, 2017 के बाद तेज गति से काम हुआ है। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं का प्रपोजल प्रदेश से जाता है और इस बार बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश से प्रपोजल आए हैं। उसमें फिरोजाबाद भी है, अन्य जिले भी हैं। मैं क्योंकि आपने देखा होगा कि इस महामारी के समय पर भारत सरकार यदि सजग नहीं होती तो गरीब को रोटी नहीं मिल सकती थी। भारत सरकार ने बजट बढ़ा करके मनरेगा में काम दिया, मुफ्त में अनाज दिया, जनधन खातों में 500 रुपया देने का काम किया, किसानों को पैसा देने का काम किया। इस महामारी के समय यदि गरीब कोई अनाज उसको काम नहीं मिल रहा होता तो बेसहारा हो जाता, बच्चे भूखों मरने लगते। तो मैं तो बधाई देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कोरोना कालखंड में सूझबूझ से काम करते हुए गरीबों। मैडम, किन्हीं कारणों से कुछ जनता अनसेटिस्फाइड है, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए अब क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य कि 2024 तक हर गांव हर मजरे तक पानी पहुँचे और उसमें उत्तर प्रदेश में काम शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि पानी से ही बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। हैंडपम्प सक्सेज नहीं, हैंडपम्प में पानी खराब आता है। सरकार ने योजना लागू कर दी है, सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी की शुरुआत हुई और इस पर बहुत तेज गति से काम हो रहा है। मैडम, यहाँ पर जो टैंक है वो काफ़ी दिनों से खराब चल रहा है, पानी नहीं है, मैडम उस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी को ध्यान नहीं दे रहे? ऐसा कोई होगा संज्ञान में देंगे तो हम जरूर बात करें, लेकिन आपने पेयजल की बात की तो उसके तहत ये योजना पहले भी लागू हो सकती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति जिसके बल पर पेयजल की, जैसे लाइट के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया, हर गांव तक लाइट पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, उसी के तहत ये पानी भी पहुंचे।